अलवर केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती को लेकर शुरू की गई अग्निपथ योजना पर राजनीति शुरू हो गई है। देश के कुछ राज्यों में शुरू हुए विरोध के सुर अब राजस्थान में भी सुनाई पड़ने लगे हैं। गुरुवार को अलवर में RLP ने योजना का विरोध दर्ज कराते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में रैली के रूप में वहां पर पहुंचे युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। युवाओं ने केंद्र की अग्निपथ योजना को नकारते हुए सेना भर्ती के नए पैटर्न को वापस लेने की मांग की और RLP के जिला पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती को लेकर बनाई गई योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पिछली सेना भर्ती के परिणाम जारी हो गए हैं। नियुक्ति देने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये तो नए ही रूल बना रहे हैं। 2020 से सेना भर्ती नहीं की गई, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को फिर से बेरोजगार बनाया जाए। RLP युवाओं नेता ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की और इस दौरान उपस्थित अन्य युवाओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए किसान विरोध बिल लाने पर हुए आंदोलन की तर्ज पर योजना वापस लेने के लिए उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। जी सर, बताएं किन मांगों को लेकर के आप अग्निपथ के नाम पे युवाओं के साथ जो ठगी की जा रही है, जो भारत में जो हमारे खास तौर से राजस्थान के युवा जो सेना के अंदर देश की सेवा करते थे और पिछले 2020 के बाद में कोई सेना भर्ती नहीं हुई और जिस प्रकार से अब युवाओं को मोदी सरकार ने जो इसके नाम पर ये कहा है सिर्फ 4 साल नौकरी करेंगे और उसके बाद में जो स्थिति पूरे भारत में बनी हुई है, मैं तो कहना चाहूँगा कि इन युवाओं के सम्मान में RLP के परमादरणीय सम्मान्य बेनीवाल जी मैदान में हैं और हम सब लोग पूरे राजस्थान में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी जिस प्रकार से आपने इसको वापस नहीं लिया गया तो राजस्थान के अंदर उग्र आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। और मैं एक संदेश आपके बीच में और देना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस सरकार ये सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिल्ला रही है और उससे युवाओं में आक्रोश है तो इसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिलेगा। कांग्रेस को भी सड़क पे आना पड़ेगा। युवाओं के सम्मान में जब तक आप लोग संघर्ष नहीं करोगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। राम स्वरूप कसाना।